हाय किड्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा चैनल। दिस इज योर फेवरेट गरिमा मैम। तो भाई देखो, बैकलॉग्स बहुत हो रहे हैं, सिलेबस कोचिंग में आगे जा रहा है, टेस्ट का सिलेबस आगे जा रहा है, बट पिछला कैसे रिवाइज करें, कुछ चैप्टर्स मिस हो गए थे मैम पढ़ते हो, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है बच्चों को। बोर्ड्स भी आ रहे हैं मैम, फिर मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। इतनी सारी परेशानियों में मेरे प्यारे बच्चे कैसे काम करेंगे, तो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए बच्चों, चलते हैं आगे। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम, जहाँ पे आपको डेली क्विजेज, नोट्स, सब कुछ मिलेगा। इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना स्कैन करके, ठीक है। अब आते हैं टोटल चैप्टर्स। तो अब जो एनटीए ने नया सिलेबस लॉन्च किया था, उसके हिसाब से अब जो मात्र आपके जो चैप्टर्स बचे हैं नीट एग्जाम के लिए, वो है आपके 79 चैप्टर्स, जिसके अंदर बायोलॉजी के है 32, फिजिक्स के 28 और केमिस्ट्री के मात्र 19 चैप्टर। और अभी आपके पास जो महीने बचे हैं वो 7 मंथ्स बचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, पैनिक करने की जरूरत नहीं, यू स्टिल हैव टाइम। पैनिक ना करते हुए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए आपने आगे बढ़ना है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो इधर, हाउ टू प्लान योर स्ट्रैटेजी, कैसे आप अपने बैकलॉग्स की स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हो। तो पहला क्या है, स्टार्ट विद द इजी एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फ्रॉम क्लास 11th। तो आपने 11th क्लास का जो भी सिलेबस है, बेटा हम क्या सोचते हैं ना, फटाफट सिलेबस कवर कर ले, बट आप प्रैक्टिस करना भूल जाते हो, वो साथ के साथ करनी है आपको। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर वर्क अकॉर्डिंगली। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं? अगर मान लीजिए हम रात में पढ़ते हैं, तो दिन में स्लीपिंग टाइम निकालिए। अगर आप दिन में पढ़ते हैं, रात में सोते हैं, जो हर इंसान करता है, तो उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। तो दुनिया का टाइम टेबल यूट्यूब पे फॉलो करने से अच्छा है कि अपना टाइम टेबल खुद अपने हिसाब से बनाओ, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा मेरे बच्चों, ठीक है। उसके अंदर आपने प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसे कम टाइम चाहिए, क्योंकि वो मेरे से हो जाता है। जैसे बायोलॉजी बच्चों को ईजी लगता है, तो वो कम टाइम में हो सकता है। फिजिक्स बच्चों को टफ लगता है, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रायोरिटाइज कीजिए अपने काम को। फिर आते क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज, डीपीपीज। आप डीपीपी सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यूज कीजिए, जो मन करे वो सॉल्व कीजिए, बट मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करें। जैसे मेरी ये बुक देखिए, एनसीईआरटी कनेक्ट नई लॉन्च हुई है, अभी हमने बनाई है। अब आप देखिए एक पेज से कितने सवाल है इस बुक में। देखो 45 से एक क्वेश्चन, 45 से एक क्वेश्चन, 45 से एक क्वेश्चन, 45 से, 45 से, 45, 45, 45, 45, यानी एक पेज से एनसीईआरटी के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है। तो बताओ तुम्हें कैसे याद नहीं होगी एनसीईआरटी। तो कौन सी अच्छी बुक है, इससे पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम एनसीईआरटी कनेक्ट है, जो कंप्लीट बायोलॉजी कवर कर रही है, 11-12, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी, तो आई थिंक इस बुक के बाद आपको किसी और चीज़ की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस कैन गिव यू 360 मार्क्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी। कम से कम आपने अपनी रेगुलर क्लासेस के साथ 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करना होता है, जिसमें आपने जो भी क्लास में किया उसे रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, बट साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी लगाने हैं एनसीईआरटी बेस्ड, जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हो, आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना हो, ठीक है। रिवीजन आपने करनी है, कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम, रिवाइज थ्रू 1-पेज नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स खुद के बना सकते हो या टीचर से ले सकते हो अपने। एनालाइज योर मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स है, जहाँ पे आपकी गलती हो रही है, उन्हें एनालाइज कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर बायोलॉजी, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ऑफ क्लास 12, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फॉर केमिस्ट्री यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। देन वी हैव फॉर फिजिक्स, यू कैन स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपको हेल्प करेगा पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को करने में, ठीक है बच्चों। फिर आते देखो बायोलॉजी प्लानर। जैसे मैं अगर बायो पढ़ा रही हूँ, क्लास 12 शुरू कर रही हूँ बोर्ड्स के लिए, तो देखिए 4 लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, जो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। अब देखिए सारा का सारा आपका 12th का सिलेबस खत्म हो रहा है वेंसडे दिसंबर 11 तक, है ना बच्चों, क्योंकि टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। फिर हम क्लास 11th भी करेंगे। तो ये है हमारा एक ऐसा बैच बच्चों जिसमें कंप्लीट 11th एंड 12th है आपके अकॉर्डिंग। 3D क्लासेस हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग स्लॉट्स हैं, ठीक है बच्चों। पूरा डीपीपी का सॉल्यूशन है इसमें, पीवाईक्यूज की ई बुक है इसके अंदर, पूरा 11-12 सिंगल टीचर पॉलिसी है। इस बैच में आपको फिजिक्स भी मिलेगा टीसी मैम से, केमिस्ट्री भी मिलेगा एनडी सर से, बायो भी मिलेगा जीजी मैम से। बार बार टीचर चेंज नहीं होंगे, आराम से क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ेंगे, सिर्फ एक गोल के लिए पढ़ेंगे, वो है हमारा मेडिकल कॉलेज। तो चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस बैच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू एट दिस टाइम। अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये बैच मात्र 3858 रुपीज़ का है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप बैच ले रहे हैं तो GNT 55 अगर आप कोड लगाते हैं तो आपको 40% ऑफ डायरेक्टली मिल जाएगा, 40% ऑफ। तो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्काउंट आई गेस, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैकलॉग क्लियर करना है तो बैच ज्वाइन कर लो, सारा वापस से हम पढ़ा देंगे, कोई चीज़ मिस हो गई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। कोड GNT 55 यूज़ करके आज ही ले लो। कल से क्लासेस शुरू हो रही है, डोंट मिस। कल ओरिएंटेशन क्लास है, हर बच्चे को टाइमली क्लासेस में आना है, ठीक है बच्चों। सी यू सून।